देखिए, ये जो एमएसपी की कमेटी बनाई है ये सरासर पंजाब के साथ धक्का है। जो राज्य 40% 50% अन्न भंडार में देता है, जिससे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है, आप ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें आप सब अपने चहेतों को डाल दिए। चेयरमैन उसे बनाइए जिन्होंने काले कानून बनाए, नीति आयोग का मेंबर जिसने वकालत करी, वो सारे पांच लोग जिन्होंने इसके जो बीजेपी के साथ संबंधित है उनको किसान ऑर्गेनाइजेशन से अपने सारे चेते आप डाल के, ना हमारी पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर डाला आपने, एग्रीकल्चर जम्मू की ले ली, भुवनेश्वर की ले ली, और जो आपने राज्य डाले हैं आप कर्नाटका डाल सकते हैं, आप बाकी सारे 4-5 और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, और जो मेन स्टेक होल्डर है पंजाब, जो सारा पेट भरता है, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, जिनके 700 किसान शहीद हो गए, जिन्होंने धरना उठाया ही सिर्फ ये क्योंकि आपकी चिट्ठी में एक नंबर का पॉइंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये विश्वास दिलाया था कि एमएसपी को सुनिश्चित किया कैसे करेंगे, इसके लिए कमेटी बनेगी, और अब आप ये कमेटी बनाते हैं उसमें से ना पंजाब का कोई सरकार है, ना कोई नुमाइंदा है, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये सरासर पंजाब के साथ एक धोखा है और धक्का भी है, और हम डिमांड करते हैं कि ये कमेटी दोबारा, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और मुझे लगता है कोई किसान एसकेएम का कोई मेंबर आएगा नहीं, क्योंकि ये बायस्ड एक कमेटी बनी है, और किसानों को एक बार फिर आप धरने में बैठने के आप उनको उस तरफ धकेल रहे हैं।